दक्षिण के दुर्ग पर विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। कर्नाटक में जड़ें जमाने के बाद बीजेपी अब तमिलनाडु में नवरत्न फॉर्मूले के जरिए स्थानीय दलों के साथ मिलकर जीत सुनिश्चित करने में लगी है। जानकारों की माने तो गठजोड़ का ये फॉर्मूला बीजेपी के वोट प्रतिशत को बढ़ाने में कारगर साबित होगा। उत्तर भारत में अपने प्रभाव की पताका लगातार फहरा रही भाजपा की नजर अब दक्षिण भारत पर है। पार्टी के रणनीतिकार जानते मानते हैं कि संचल में भी कमल खिलाकर ही वह राजग को 400 पार पहुंचाने के बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। कर्नाटक में जड़ें पहले ही जमा चुकी भाजपा की नजर अब खास तौर पर 39 लोकसभा सीटों वाले राज्य तमिलनाडु पर है। निस्संदेह द्रमिल राजनीति की इस धरती पर भगवा खेमे के लिए राह पथरीली रही है, लेकिन अब राजनीति समीकरणों का राम सेतु बांधकर चुनौतियां पार करने की तैयारी है। इसके लिए इस बार भाजपा ने यूपी फॉर्मूला अपनाते हुए छोटे छोटे स्थानीय दलों के साथ गठबंधन किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरत्न नाम देते हुए तमिलनाडु में चमत्कार की आस लगाई है। फॉर्मूले को लेकर चर्चा भी चल रही है। वहीं डीएमके का कहना है कि यह फॉर्मूला यहां काम नहीं करेगा। पीएमके जैसे छोटे दलों का यहां की राजनीति में कोई वजूद नहीं है। बीजेपी हैज नो मॉरल राइट टू continue in government. That's the only plank on which the India alliance is forging and taking it forward. And the kind of corruption that was, explained in CAG, monumental, 7.5 lakh crore. And the kind of Hindutva principle on which they're trying to, force the country on a very difficult path. वहीं एनडीए अलायंस के उम्मीदवार अन्नादुरई का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का चमत्कार इस बार तमिलनाडु की राजनीति पर भी दिखाई देगा। पीएमके और बीजेपी अलायंस यहां बेहतर करने जा रहे हैं। डीएमके कैसे कह सकता है कि हम छोटी पार्टी हैं? विधानसभा में यहां से हमारी दो सीटें हैं। बीजेपी और हमारा गठबंधन बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करेंगे। यहां के लोग प्रधानमंत्री मोदी को बहुत चाहते हैं। हम चुनाव में बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। यूपी के फार्मूले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजशेखरन का भी कहना है कि ये फार्मूला यहाँ फायदा जरूर करेगा, लेकिन कितना करेगा वो परिणाम बताएंगे। चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स वुड मेक अ डिफरेंस, सो दैट वी विल हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन, बट ओवरऑल आई डोंट नो वेदर दिस अलायंस विल बी अ सक्सेसफुल अलायंस, दैट वी विल हैव टू वेट एंड सी। तमिलनाडु के युवाओं में मोदी सरकार का क्रेज भी है। युवा चाहते हैं कि सरकार ऐसी आए जो युवा और महिला सुरक्षा पर काम करे। सो मेनी प्राइवेट सेक्टर एंड आईटी सेक्टर्स आर बिल्ड इन इन कंपनी इन ओजूर सेलम चेन्नई सो मेनी, बट वी डोंट हैव कंफर्म्ड जॉब इज इन हैव दे आर, सो प्लीज कंसिडर जॉब रोल इज मेजर इन टू द Yes. Girl safety is missing in our whole nation, so should be focused more, and the workplace environment should be more secured for women. Any party who is going to come must focus on the equality and equity. चुनाव में ये फॉर्मूला कितना असर डालेगा ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन तमिल राजनीति में गुणागणित जरूर कर दिया है इस फॉर्मूले ने। तमिलनाडु में भी छोटे छोटे दलों को साथ लेकर तमिलनाडु की राजनीति में, खासकर उत्तर तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने हलचल पैदा कर दी है। डीएमके का कहना है कि ये फार्मूला भले ही उत्तर प्रदेश में लागू हो गया हो, लेकिन तमिलनाडु में ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अब ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ये फार्मूला तमिलनाडु की राजनीति में काम करेगा या इसके परिणाम कुछ अलग तरीके के निकलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस फार्मूले ने तमिलनाडु की राजनीति में चर्चा जरूर शुरू कर दी है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़ तमिलनाडु।